नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का सीएम सिटी गोरखपुर, कहा जाता है यहां इंसाफ के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ती और सीएम खुद जनता दरबार लगाते हैं और पीड़ितों को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि क्या गोरखपुर से लेकर पूरे प्रदेश में बैठे जिम्मेदार सिर्फ सीएम के भरोसे हो चले हैं। कहने को सूबे में प्रमुख सचिव हैं, गृह सचिव हैं, आला अफसरों की फौज है और यूपी पुलिस के मुखिया हैं। गोरखपुर में डीएम हैं, एसपी हैं और पूरे जिले में कई पुलिस थाने हैं, पर जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ सीएम योगी का चेहरा दिखता है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार को जो नजारा देखने को मिला उसने गोरखपुर जिला प्रशासन के साथ यूपी में प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस पर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाने का बड़ा आरोप लगा है। गोरखपुर का एक परिवार 270 किलोमीटर का सफर करके लखनऊ पहुंचा और फिर सीएम हाउस पर हंगामा कर दिया। परिवार अपने साथ इस शव, इस लाश को लेकर भी गया था सीएम आवास के बाहर और हंगामा किया। आरोप है कि गांव के दबंग प्रधान के बेटे ने एक लड़की के साथ रेप किया। जब उसके चाचा ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई तो आरोपियों ने इसका मर्डर कर दिया, यानी कि चाचा का मर्डर कर दिया गया। और ये घटना प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा। और आपको बता दे, पीड़ित परिवार का ये आरोप है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं। घटना 29 मई 2023 की है। घर में एक शादी समारोह था और उसी रोज गांव के दबंग प्रधान के बेटे ने नाबालिग बेटी का किडनैप कर लिया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जब परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई तो वो आए दिन जान से मारने की धमकियां देने लगा। हालांकि परिजनों ने फिर भी एफआईआर वापस नहीं ली। इससे भड़के आरोपियों ने दशहरे के दिन रेप पीड़िता के चाचा की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के ये गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कई बार गोरखपुर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है लेकिन किसी ने एक ना सुनी। गोरखपुर पुलिस के रवैये से परेशान होकर परिवार लखनऊ सीएम आवास पहुंच गया, लेकिन प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हालांकि हंगामा बढ़ते देख पुलिस पीड़ित परिवार को गौतमपल्ली थाने ले गई, जहां पीड़ित परिवार नाराजगी दिखाता रहा। मामला तूल पकड़ते देख गोरखपुर पुलिस एक्टिव हुई और प्रधान के बेटे सहित एक अन्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इतने हो हंगामे के बाद ये अरेस्टिंग। लेकिन सवाल यही है कि सीएम सिटी की पुलिस इतने मामले पर ऐसे मामले पर कार्रवाई से क्यों बचती नजर आती है। गोरखपुर पुलिस ने बड़ी मुश्किल में केस दर्ज किया। आरोपी पीड़ितों को डराते धमकाते रहे लेकिन गोरखपुर पुलिस ने कोई मदद नहीं की। लड़की का यह बयान, अभी तक कोई बयान नहीं लिया गया। सवाल, गोरखपुर की पुलिस सरकार की मंशा पर पलीता क्यों लगा रही है? क्या यूपी में अब इंसाफ के लिए हर किसी को सीएम योगी से गुहार लगानी पड़ेगी? क्या सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं बचे? अगर ये सच है तो पुलिस और प्रशासन जिले में बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदारों की जरूरत ही क्यों है? स्पेशल जो ये घटना आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं इस घटना के जरिए प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर, क्योंकि गोरखपुर की ये घटना और ये संसदीय क्षेत्र है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और यहाँ की ये घटना प्रशासनिक रवैया बता रहा है कि यहाँ का प्रशासनिक रवैया कितना लचर है, कितना सुस्त है कि कोई ऐसे मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इस घटना को लेकर हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। शशांक शेखर मिश्रा हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुश चौधरी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत सेठी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। रामशंकर ब्यूरो चीफ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं।
रुख गोरखपुर से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि घटना यही की है, रामशंकर का रुख करते हैं। इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है क्योंकि इतने हो हंगामे के बाद अब जाकर जो गोरखपुर पुलिस है, प्रशासनिक अमला है, वो एक्टिव नजर आ रहा है। कार्रवाई कहां तक पहुंची रामशंकर? अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी हमारी एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह जी से कुछ ही देर पहले बात हुई है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके पहले भी हमने मुकदमा दर्ज किया था, हालांकि अपराधी को गिरफ्तार भी किया था और जेल भेजा था। वो सुनने में आ रहा है कि जमानत पे छूट के आए थे और उस पुराने मुकदमे में सुलह करने की दबाव बना रहे थे। जब पीड़ित ने इसे इनकार किया तो चूंकि दशहरा का दिन था, सारे घर के लोग जो है मेले में गए हुए थे और जब ये पीड़ित यानी विक्टिम जो था वो अकेले घर पे था तो उस समय घर पे धावा बोल दिया जाता है और उसको बुरी तरह मारा पीटा जाता है, जिससे उसको सीएससी ले गया गया, जहां उसके बाद उसको गोरखपुर सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया और वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज जाने से पहले ही दम छोड़ चुका था। चूंकि देखिए पुलिस की बात आप करती हैं तो निश्चित तौर से ये पुलिस पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि बैठे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात आपको समझाते हैं कि जिस एसओ के पास फरियादी फरियाद लेके जाता है और जब वो एसओ यानी कि थानेदार उस फरियादी की बात नहीं सुनता है तब वो पीड़ित अपने उनसे उच्च अधिकारी के पास जाता है। सबसे बड़ी बात, वो उच्च अधिकारी जो होते हैं, जो अपने पद पे बैठे होते हैं, वो क्या उनके पास सारी सुविधा उपलब्ध होती है, चाहे सीओजी नंबर कहें चाहे कोई भी चीज, लेकिन इसके बाद वो फीडबैक लिए बस 2 लाइन बड़े आराम से लिख दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में जांच करके आख्या दे। अब ऐसे में जब वो पीड़ित फिर उसी एसओ के पास जाएगा यानी कि वो एप्लीकेशन भी उसी एसओ के पास जाएगा तो वो एसओ क्या कार्रवाई करेगा? जो पहले ही एक बार पीड़ित को अपने थाने से भगा चुका हो वो दूसरी बार जब वो आख्या देने की बात आएगी तो वो निश्चित तौर से अपने अनुसार वो पूरी तरह से उस प्रकरण में आख्या प्रस्तुत कर देगा अधिकारियों को। अब यहाँ बात हो जाती है, अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि एसओ हमारा कह रहा है कि मामले में कोई भी विवाद नहीं है, जिस पर अधिकारी भी आश्वस्त हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से ये हम अधिकारियों को दोष तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो नीचे बैठे अधिकारी होते हैं, जो एसओ होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो हल्के के सिपाही होते हैं, ये लोग जो रिपोर्ट लगाते हैं निश्चित तौर से इनकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका होती है अधिकारियों को गुमराह करने में। चूंकि थोड़ा सा एक चीज ये भी होता है कि जो एसओ होता क्या है कि ये किसी गांव यानी किसी मोहल्ले का जब मामला होता है, दो पक्षों में मारपीट होता है या फिर पक्षों में कहा जाए कि कोई विक्टिम होता है, कोई अपराधी होता है, तो इसमें जब दोनों लोगों की बात आती है तो एसओ या फिर हल्के की सिपाही बड़े ही ऐसे मामलों को बहुत ही हल्के में लेता है और वो हल्केपन में लेने के कारण कहीं ना कहीं अपराधी से भी ऐसा सुनने में कई मामले आते हैं कि एसओ जो है अपराधियों से भी संलिप्त हो जाता है, उससे पैसे लेके या किसी भी तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें प्रकरण को लेकर इसी घटना को लेकर हम बात भी कर रहे हैं। रामशंकर, अगर देखा जाए गोरखपुर की ये जो घटना सामने आ रही है, 270 किलोमीटर का सफर तय करके परिवार को लखनऊ आना पड़ा और सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और सबसे अहम बात, दशहरे के दिन उसके चाचा न्याय की गुहार के लिए पहुंचते हैं, दशहरे के दिन हत्या कर दी जाती है। मतलब ये जो एक माहौल क्रिएट होता नजर आ रहा है, एक तरफ तो सूबे के मुखिया ये दावा करते हैं कि जगह जगह यमराज पाए जाएंगे अपराधियों को पर जो लगाम लगाएंगे, वो यमराज क्या ऐसे यमराज अपराधियों पर लगाम लगाएंगे? और अब न्याय इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों की जान सस्ती नजर आ रही है, जिस तरीके का ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं, भरत का रुख करेंगे, क्या जानकारी इस संबंध में, इस मामले से जुड़ी हुई आपके पास है? क्योंकि सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया इस परिवार ने, शव भी रख कर प्रदर्शन किया गया। देखिए 270 किलोमीटर दूर से शव को लेकर राजधानी पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये लोग बैठ जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमको मिलने दिया जाए और वहां पर अपनी बातों को रखेंगे। आदमी परेशान होता है, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचता है, शव के साथ पहुंचता है, उनका साफ तौर पर यही कहना था
अगर पहले ही हमको वहां पे हमारे जो प्रशासन है वो हमारी बात सुन लेते तो शायद हमको इतना लंबा सफर करके शव के साथ नहीं आना पड़ता। पूरे मामले की अगर बात करते हैं, 29 मई का मामला है, उससे पहले उनके घर में शादी का माहौल होता है, उसके बाद लड़की का जो किडनैप हो जाती है, दिल्ली की लड़की को बरामद किया जाता है, 2 दिन तक लगातार पुलिस के चक्कर लगाता है पीड़ित परिवार गोरखपुर में, प्रशासन सुनवाई नहीं करता, उसके बाद जब सुनवाई होती है तो पकड़ा जाता है, रिकवर किया जाता है लड़की को दिल्ली से। कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत कुछ, लेकिन हर एक मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए मुख्यमंत्री लोग ये आज एक साथ नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, आप प्रशासन के लोग हैं चाहे समाज के लोग हैं, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें कि मामला मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। जब पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई है, कभी मुख्यमंत्री आवाज के लिए उन्होंने रुख किया है, अगर शायद पीड़ित परिवार की सुनवाई हो जाती गोरखपुर में, तमाम लोग के जो लिखा पड़ी और उनके मुकदमे पंचकर उस समय ही हो जाते तो शायद वो यहाँ तक रुक ना करते, कोई भी शख्स किसी शख्स को लेकर अपने परिवार के सदस्य का लेकर उसको इधर से उधर लेके नहीं घूमता रहेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही थी वो भी लापरवाही के सामने आई है, चाहे वो कहते प्रशासन की चाहे पुलिस प्रशासन की, तमाम लोगों की जो जिम्मेदारी बनती थी कि जो नामजद है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, उससे पहले ही जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पीड़ित परिवार वो आरोप लगा रहा था कि कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग यही कह रहे थे कि जो पहले पुलिस ने मामले को नहीं लिया, बिल्कुल गंभीर आरोप है परिवार के। जी, अब आरोप लगते गए उसके बाद ये मामला सामने फिलहाल आया, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार खुद ये कह रहा था कि अगर शॉर्ट आउट प्रॉब्लम गोरखपुर में हो जाती तो ये मामला वही पर हो जाता और ये हत्या ना होती, क्योंकि पहले से ही पीड़ित परिवार को डर था कि जो डबल प्रधान है कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठा सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को जान का खतरा है, वो पहले ही जो पीड़ित परिवार बोल चुका था जाकर गोरखपुर वाहन आए थे, लेकिन नहीं, आखिरकार जिसका परिवार लोगों को डर था बिल्कुल, वो भी तब जब न्याय की उम्मीद में शख्स बैठा हुआ था कि न्याय की दरकार के लिए गया हुआ था और इसीलिए जान संवारने की धमकी दी गई परिवार को, फिर हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी बात है कि एक घटना को लेकर इंसाफ मांगने के लिए ये परिवार गया और दूसरी घटना को अपराधियों ने अंजाम दे डाला, इसे रोकने तक का प्रयास नहीं किया गया प्रशासनिक अमले की तरफ से, और अब बात यहां तक पहुंची कि यहां सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने तक की नौबत आ गई। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूं कि हर बात में ये होती है कि सीएम साहब सब आदमियों की सुनवाई नहीं कर सकते, क्या ये हर अपने भाषण में नहीं बोलते? लास्ट पंक्ति में खड़े आदमी की मैं सुरक्षा करूंगा, लास्ट पंक्ति में खड़े आदमी को भूखा नहीं मरने दूंगा, ये दिन भर घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, ये पूजा पाठ है, ये सब सिखाया जा रहा है, लेकिन किसी की मौत हो रही है तो ये खाकी वर्दी किसके अंदर में आती है? इनके अंदर में ही आती है ना, ये अपने साथ लेके सुरक्षा घूमते हैं ना, तो फिर ये दूसरे की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं उनको ऐसा निर्देश देते हैं? ऐसा नहीं लगता कि ये उनको निर्देश ही नहीं देना चाहते हैं कि कोई मरे या जिए कोई परवाह मत करो, हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारा संरक्षण करेंगे। इसीलिए खाकी वर्दी को डर नहीं है, खाकी वर्दी कोई चीज नहीं चाहती है, ये ऊपर से ही निर्देश आते हैं खाकी वर्दी को। बिल्कुल, आपकी नाराजगी जायज है प्रेम जी, जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की आवाज और राय ऐसे मुद्दों को लेकर बेहद अहम हो जाती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी के बड़े बड़े जो दावे हैं, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के जो बड़े बड़े दावे हैं वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, और या ये कहें कि ये जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे या समझ कर भी नासमझी दिखा रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता का, हमारे साथ शशांक शेखर जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, गोरखपुर की ये घटना जो सामने आई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है प्रशासनिक अमले की तरफ से? सर्वप्रथम मैं स्वयं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सहानुभूति रखता हूँ, ये घटना अत्यंत निंदनीय है और हम सब लोग निंदा करते हैं, और लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस प्रशासन रहा है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है।
तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस सब पर हम सब डिबेट करते हैं कि किसकी गलती है, क्या है योगी जी मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो हम सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। किसकी गलती है पर डिबेट रखी ही नहीं गई है, डिबेट इस बात को लेकर है शशांक जी कि आखिर ये प्रशासनिक अमला इतना बेपरवाह लापरवाह क्यों है और क्यों अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या हर जगह सीएम पहुंचेंगे न्याय दिलाने के लिए? उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है और ये व्यवस्था क्यों नहीं सुदृढ़ है? स्तर पर जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है, लेकिन आपके ही जो ब्यूरो चीफ थे गोरखपुर जी के, उनके माध्यम से यही ज्ञात हुआ कि पहले जब ये घटना हुई थी तो उसमें उसको जेल भेजा गया था, बाद में वो कोर्ट के माध्यम से उसको जमानत मिली है। रही बात बाद में जो ये घटना हुई है, जो मर्डर हुआ है, इसके मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी और परिवार, पीड़ित परिवार ने कितना न्याय मांगा, कहां तक वो पहुंचा, क्या एसपी के पास इसकी जानकारी है, इस बात को कंफर्म कर लेते हैं, या आईजी से पेश हुआ या डीजीपी के पास पहुंचा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये मर्डर हुआ है उससे पूर्व उस पीड़ित परिवार का कहां तक प्रसूव किया गया कि हमको परिवार को उसको पीड़ित परिवार का यही आरोप है कि पहले तो किडनैप किया गया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, और जब चाचा न्याय की गुहार के लिए जाता है न्याय के लिए तो उसका मर्डर कर दिया जाता है, पहले उसे धमकी दी जाती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोकल पुलिस की जो है ये लापरवाही रही, और नो डाउट माननीय योगी जी इस विषय पर उनके संज्ञान में ये विषय बहुत बड़ा विषय है और हम सबके लिए भी ये कुठाराघात है। तो मुझे लगता है कि इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता, और किसी लड़की के साथ बलात्कार हो उसके बाद वो अपराधी जेल में भेजा जाए और फिर वो कोर्ट से जमानत हो और उसके बाद भी उसके हौसले इतने बड़े हों कि वो किसी का मर्डर करता है, तो ऐसे अपराधी ऐसे लोगों को जेल में डालकर इनके इनके खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई। ठीक है, एक बार अपने ब्यूरो चीफ का रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां से ये घटना सामने आ रही है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा शशांक जी। रामशंकर जी का रुख करते हैं। रामशंकर जी, क्या लग रहा है इसमें? जिस तरीके से लापरवाही तो है ही, क्योंकि अनसुना किया गया, डिनाई किया गया और फिर हत्या कर दी जाती है चाचा की। जैसा कि शशांक जी को अभी क्लियर नहीं है ये चीज कि जेल भेजा गया था अपराधी को, फिर वो बेल पर बाहर आया, फिर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या ये था? मैं इस बात को आपको, मैं निश्चित तौर से इस बात को स्पष्टीकरण कर दूं कि जिस तरह से वो बलात्कार के मामले में जेल भेजा गया था, तो उसके बाद जब वो जमानत पे आया तो ये पहली बार ये विक्टिम को जो है धमकी नहीं दे रहे थे। इसके पहले कई बार वो विक्टिम को सुनने में आ रहा है कि धमकी दिए, और विक्टिम ने कई बार इसकी सूचना थाने पे भी दी। सुनने में भी आ रहा है कि उच्च अधिकारियों तक भी इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी इसमें कोई संज्ञान नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हो सकता है उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे हों और उच्च अधिकारियों ने थानेदार को मार करके एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया हो। अब उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मौके पे, यानी कि जो थानेदार हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो इस चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं और जो अपराधी हैं उनके ऊपर किस तरह के हालांकि करने के लिए अगर ऐसी घटना थी तो थानेदार को चाहिए था कि वो उनका फिर से गिरफ्तारी करते, उस एप्लीकेशन पे एक मुकदमा दर्ज करते, और यहां तक कि जो पहले के मामले थे थानेदार को अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए था, लेकिन वो थानेदार ठहरे अपनी मर्जी के मालिक, तो वो जिम्मेदार अपनी खुद तय करेंगे ना, वो उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं, चर्चा का रुख करेंगे। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मालूम पड़ता है जिसने एक अपराध किया दूसरे अपराध को, इतनी संगीन अपराध को फिर अंजाम दिया। मैं योगी साहब से अनुरोध करता हूं, जो सरकारी वकील पास को कोर्ट में लगा है उसको तुरंत बर्खास्त करें, उसके ढिलाई पन से जमानत हुई, और एक प्रधान जी को, कमिश्नर साहब को ऑर्डर करें, इस प्रधान को तुरंत बर्खास्त करें, इसका बस्ता जमा कराएं, ये अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, इसका पुत्र है तो क्या हुआ, अपराधी है उसे कानून के हवाले करना चाहिए था। बिल्कुल, कानून सभी के लिए बराबर है। गिरीश जी, आपकी नाराजगी जायज है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। देखा जाए तो वाकई जब संगीन धारा और एक्ट किसी अपराधी के ऊपर लगता है तो मुझे लगता है उसे आसानी से बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, आसानी से जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ का कानून है कि कितना भी बड़ा अपराध आप कर जाते हैं और संगीन धाराएं लग जाती हैं और इसके बावजूद भी आपको जमानत मिल जाती है। चर्चा में वापस लौटेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी अंकुश चौधरी जुड़े हुए हैं। अंकुश जी, आपका रुख करेंगे, प्रशासनिक अमला आखिर इतना बेलगाम क्यों है, इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया।
सोनी जी, पहले ये पूरा घटनाक्रम हमको समझना पड़ेगा जी। जिसके साथ दरिंदगी और हैवानियत हुई है वो नाबालिग बच्ची है। 4 महीने पहले गांव के दबंग प्रधान का बच्चा उठा के उस लड़की को जबरन लेके जाता है। उसके पीड़िता के परिवार वाले लगातार थाने जाते हैं और पुलिस से निवेदन करते हैं, गुहार लगाते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती और उसी समय से उस पर दबाव बनाया जाता है कि फैसला कर लिया जाए। 6 दिन के बाद दिल्ली से बच्ची बरामद होती है। जब उसके बयान होने होते हैं तो दबंग फिर भी उसको डराते हैं, धमकाते हैं, वो पुलिस से गुहार लगाते हैं। और तो और दशहरे वाले दिन, जिस दिन असत्य पर, जब असत्य पर सत्य की जीत का दिन था, उस दिन उस बच्ची के चाचा को जान से मार दिया जाता है। और वो कहां पे ये सब घटनाक्रम हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर के अंदर। उस गोरखपुर के अंदर जहां कहते हैं पुलिस की सुरक्षा मिलती है, कानून व्यवस्था सही है, तमाम चीजों के खोखले दावे किए जाते हैं। लेकिन आप पूर्व में भी आप याद कीजिएगा, जब हाथरस का कांड हुआ था तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बैठ के कहते हैं कि बच्ची के साथ कोई दरिंदगी नहीं होती, तो थाना अध्यक्ष से लेके एसएसपी, कप्तान, ये लोग हमेशा छुपाने में लग रहे हैं। योगी जी के राज्य को राम राज्य ये लोग बताते हैं, कहां चला गया राम राज्य? उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा। 270 किलोमीटर दूर वो डेड बॉडी को लेके साथ में आता है। उस पीड़ित परिवार की मनोदशा, उस बच्ची की मनोदशा समझने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो रूह कांप जाएंगी। उसके साथ हैवानियत हुई, बर्बरता हुई। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाने आते हैं, पुलिस वहां भी उनको नहीं मिलने देती, कोई न्याय का भरोसा नहीं देती, उसको उठा के थाने में रखती और फिर उसके बाद गोरखपुर वापस भेज दिया जाता है। तो फरियादी फरियाद लेके जाए कहां? इसी को राम राज्य कहते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, ये तमाम कांड हमने देखे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इन सब चीजों को दबाने में, छुपाने में लगे रहते हैं। पीड़ित बच्चियों को कभी न्याय इस उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जो राज्य में राम राज्य नहीं है, बच्चियों के साथ दहशत और जाति लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। और गोरखपुर के एसएसपी से लेके उस थाने और सीओ को, तमाम लोगों को तत्काल निलंबित उन लोगों को करना चाहिए और इस पर उच्च अधिकारियों को एक कमेटी बना के इस पर जांच की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बिल्कुल, ये राम राज्य की जो परिकल्पना है शशांक जी, राम राज्य में ऐसा ही होता था क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता रहा है। हम राम राज्य की परिकल्पना लिए बैठे हैं, हम सोचते हैं कि राम राज्य है ये, और राम राज्य है या रावण राज्य है? राम राज्य की परिकल्पना है और हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का ये लगातार प्रयास रहता है कि हम कानून व्यवस्था, प्रयास सार्थक होना चाहिए ना शशांक जी, प्रयास सार्थक होना चाहिए। गलतियां चीज बिल्कुल प्रयास सार्थक होगा और सार्थक हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की एक गलती रही है तो उसके ऊपर समुचित, उनके ऊपर कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही बात पुलिस प्रशासन व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की और योगी जी की, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाड़ियां भी पलटी हैं और बुलडोजर भी चला है। अगर ऐसे अपराधियों के द्वारा अपराध किया गया है तो उनके घर पर बुलडोजर चला। ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? किसी बड़े नेता की यहाँ जब अवैध कब्जा किए बैठे होते हैं, उनके कभी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि इस बड़े मंत्री या नेता के यहाँ बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर का हवाला देते हैं आप लोग। जब ऐसी घटना सामने आती है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ जहां पॉक्सो एक्ट लग जाता है, वहां पर कैसे इतनी आसानी से उन्हें छोड़ दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है? ये तो कोर्ट की कानून व्यवस्था है किस तरीके से, तो कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए ना ऐसे मामलों को लेकर। अपराधी न्याय की आस में जान गंवानी पड़ जाती है। यहां पर आरोपी सिर्फ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और एक जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो न्याय की दरकार में आस तोड़ देता है और जान भी चली जाती है। ये राम राज्य है। न्याय व्यवस्था जो कानून की न्याय व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था, वो पैरेलल वे में काम करती है। एक पक्ष हम लोग देखते हैं और हम सबकी सहानुभूति पीड़ित पक्ष के साथ होती है और जायज सबकी होनी चाहिए। सहानुभूति से ऐसी घटनाएं कम नहीं होंगी शशांक जी। और जहां पर अपराधी कम करने, अगर कोई देखा जाए बड़ा अपराधी है तो एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ऐसे अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकती है? ये क्यों कानून में भी हस्तक्षेप, कानून में भी डिवाइडेशन क्यों? आम और खास के लिए कैसे अलग हो सकता है कानून? वापस लौटेंगे चर्चा में, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है
और यहां दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि सूबे के मुखिया बड़े बड़े दावे करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां होती नजर आ रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गोरखपुर की घटना को लेकर, और गोरखपुर जो संसदीय क्षेत्र है जहां पर जो रवि किशन वहां के सांसद हैं, और ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि गृह जनपद है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था अगर प्रशासनिक स्तर पर जिक्र किया जाए तो कहते हैं चाक चौबंद और सुदृढ़ है। लेकिन अगर सुदृढ़ है तो फिर ये तस्वीर सामने क्यों आ रही है? ये दबंग, ये अपराधी इतने बेलगाम क्यों हो चुके हैं, और क्या इन पर अब अपराधियों पर कोई बस नहीं चल रहा है प्रशासनिक अमले का, किसी भी अधिकारी का, या अपराध दबंगों के साथ ये कहा जाए कि आपकी भी संलिप्तता नजर आ रही है और इसीलिए दबंग खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं? ये जो घटना सामने आ रही है, यहां पर नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता लखनऊ से, रुक कर लेते हैं भरत सेठी का। भरत, देखा जाए तो लगातार जो प्रदर्शन, जो हंगामे की तस्वीर सामने आई, हंगामा किया इस पीड़ित परिवार ने, आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन जरूर मिला था। जैसे ही जानकारी मिली गोरखपुर पुलिस को, गोरखपुर पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, गोरखपुर पुलिस को लखनऊ भेजा, यहां से उस परिवार को गोरखपुर पुलिस वापस ले गई, आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन उस समय क्यों नहीं हुआ जब ये लोग चाह रहे थे? आखिर ये लोग मजबूर हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के लिए, तभी गोरखपुर पुलिस को याद आया कि अब हमको कार्रवाई करनी चाहिए या आश्वासन देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ये पहला मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने आकर कोई पीड़ित परिवार या पीड़ित प्रदर्शन कर रहा है या अपनी बातों को रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आ रहा है। विधानसभा के सामने कई बार ऐसा देखा गया, लोगों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है, अपने आप को जलाने की कोशिश की है। ये वही लोग पीड़ित हैं जिनकी सुनवाई उनके जिले में नहीं होती है, तो जिला में जो मेन अधिकारी बैठे हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं करते, तभी मजबूर होकर वो लोग लखनऊ पहुंचते हैं और ऐसे कदम को उठाते हैं। कोई शौक में डेड बॉडी को लेकर, अपने परिवार के सदस्य को लेकर लखनऊ नहीं पहुंचेगा? आखिरकार सुनवाई उस समय क्यों नहीं हुई? अब आश्वासन देने का क्या मतलब है जब एक आदमी परिवार का सदस्य उनका चला गया, जब वो पहले से ही परिवार के गुहार लगा रहा था कि वो उनसे और हमारे परिवार को जान का खतरा है, हमारे परिवार को बचाया जाए, उनके बेटे तक को किडनैप करने की जो बात है, दबंग प्रधान के बेटे ने कह दी तुम्हारे बेटे को मैं किडनैप कर लूंगा, तमाम जो बातें हैं वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जब उनके घर के सदस्य चला गया, उनकी 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 हत्या कर दी गई, उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी तब भी नहीं सुनी, लगातार उसके बाद भी गुहार लगाते रहे। लेकिन आखिरकार जब परिवार राजधानी पहुंचा तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, तमाम लोगों ने यहाँ पे तुरंत महिलाओं को जो परिवार के सदस्य उनको जीप में भरा और गौतमपल्ली थाने ले गई, वहां पर भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा, गोरखपुर पुलिस पहुंची, लेकिन आखिरकार ये नौबत ही क्यों आई? अगर जिले में सुनवाई हो जाती तो शायद ये नौबत ना आती। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनवाई करते हैं, तमाम लोगों की जो गरीब लोग हैं, हर तबके के लोगों को सुना जाता है वहां पर, ये सुनने के लिए वो गोरखपुर में वहां पे प्रयास किया उन्होंने कि वहां पर हम अपनी बातों को रखें, नहीं वहां सुनने के, तब उन्होंने राजधानी लखनऊ का रुख किया और परिवार के साथ यहाँ पे बॉडी के साथ यहाँ पहुंचे। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर, जिला स्तर, जिला पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उनकी सुनवाई क्यों नहीं की गई, और जब वो लखनऊ पहुंचे तब पूरी गोरखपुर पुलिस के तमाम जो लोग हैं लखनऊ पहुंचे, उनको आश्वासन दिया, यही आश्वासन, यही कार्रवाई अगर पहले करती तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाता। ये बिल्कुल प्रशासनिक अमले की जो तत्परता है, तत्परता और नजर आती है, लेकिन किसी भी अपराध के घटने के बाद, और वो भी तब जब मामला तूल पकड़ता है, मामले को एक हवा मिलती है और सुर्खियों में आता है, तब एक्टिव होती है हमारी पुलिस, और ये प्रशासनिक के जो आला, जो जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक अमला है, तब एक्टिव होता है। बजाय अगर यही तत्परता पहले दिखाई जाती तो मुझे लगता है ये अपराध, जो हत्या की गई चाचा की, ये शायद घटना नहीं घटित होती। अंकुश जी, इस तत्परता को लेकर शब्द हैं आपके पास? सोनी जी, देखिए, नाबालिग बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, और जब वो अपराध हो रहा था तो उस पे पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा था पूरा आप देखिए, लगातार 4 महीने तक उस बच्ची पे क्या बीती होगी और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया गया 4 महीने से पुलिस के हाथ। ये कोई 2-3 दिन का घटनाक्रम नहीं है, ये पिछले 4 महीने से चलता हुआ लगातार घटनाक्रम है। उस जिले के कप्तान, उस जिले के अधिकारी, वो चौकी के लोग, उस थाने के लोग कर क्या रहे थे?
और अभी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे सीधा सवाल है, योगी के राम राज्य में कल से अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस अधिकारियों, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, किन लोगों की जवाबदेही आप लोगों ने तय की गई? ये सारे के सारे बुनियादी सवाल है। अब उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, ये पूरे, ये खाली गोरखपुर की कहानी नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के अपराधों में बाढ़ आई है, क्योंकि पुलिस का इकबाल अपना खो चुकी है। पुलिस सिर्फ सत्ता के सत्ता के लोगों के बीच में उनके चरण वंदन में लगी रहती है, पुलिस को कोई सरोकार नहीं है कि जनता के जो शोषण करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाए। सिर्फ लोगों की सुनवाई नहीं होती है, दबंगों को संरक्षण दिया जाता हो, ये कौन दबंग है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोग होते हैं, जब इनकी आप कुंडली निकालेंगे। ऐसे मेरठ के अंदर प्रकरण हुआ, नाबालिग पॉस्को में बच्ची आई, उसके साथ में आज तक भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष उसमें है, संजीव गोयल सिक्का राज्य मंत्री, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि कोर्ट से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। तो ये हाल है, इनके नेता, इनके अधिकार, तमाम नेता और कार्यकर्ता इनके इन सब चीजों में संलिप्त हैं। उस पीड़ित बच्ची को न्याय कब मिलेगा? असल मुद्दा सवाल ये है, जिस व्यक्ति की जान चली गई उस व्यक्ति को, तो परिवार को न्याय कब मिलेगा, कब वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये सारा का सारा, ये आज के मुझे लगता है तात्कालिक विषय ये है। और इन सब लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक इनके दावे और ये फरेबी हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, कड़ी कार्रवाई उन पे की जाए, और उनके साथ साथ जिले के कप्तान से लेके सीओ से लेके थाने तक को हटाने का काम करना चाहिए, ताकि एक नजीर बने। बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक नजीर बने, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं तो आप कह दीजिए कि हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, या कह दीजिए कि हम इतने जिम्मेदार नहीं है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। जो शपथ उस वक्त आप लोग खाते हैं, प्रशासनिक अमला जब भर्ती होती है तो ये शपथ दिलाई जाती है कि हम बहुत निष्ठा और भाव के साथ कर्तव्यपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। एक लंबी चौड़ी शपथ ग्रहण के दौरान शब्दों का उल्लेख किया जाता है, उन शब्दों की गरिमा ये प्रशासनिक अमला जो है वो भूल बैठा है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम जी, मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, यहाँ पे कोई नियम नहीं रहे हैं, कहीं भी बच्चों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस का काम केवल इतना रह गया है, केवल पैसे लेने का काम रह गया है पुलिस का। बिल्कुल उमेश जैन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। रामशंकर जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद शशांक जी आपका रुख करेंगे। रामशंकर जी, अगर देखा जाए जनता दरबार लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर, क्या ये प्रकरण उस जनता दरबार तक नहीं पहुंचा या पहुंचने नहीं दिया गया, क्या है हकीकत? जी देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया हूँ कि इस तरह के मामले जब भी गोरखपुर के पुलिस से जुड़ी मामले होती हैं तो जनता दरबार में शायद ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि पुलिस से जुड़े मामलों में बाहर जो पुलिस के अधिकारी खड़े रहते हैं वो एप्लीकेशन लेकर काम करते हैं, जाइए आप पे आपकी कार्रवाई कर दी जाएगी। निश्चित तौर से मैंने ये इसी के न्यूज चैनल पर जनता दरबार को लेकर पहले भी बताया है कि जिस तरह से जनता दरबार में 500 से 600 700 800 लोगों की भीड़ होती है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रदेश के तमाम जिलों के आला अधिकारी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत ही छोटी सी बात समझने की है, अगर कोई भी अधिकारी यानी कि कोई भी फरियादी जब किसी अधिकारी से उसको न्याय मिल जाता तो वो निश्चित तौर से सीएम तक नहीं जाने की कोशिश करता। दूसरी बात हम कहेंगे कि होते हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर से राइट नहीं होते हैं, उसमें गलत पैरवी भी कराने की कोशिश की जाती है, तो वो इंसान दौड़ता रहता है, यानी कि अधिकारियों के पास जाएगा, सीएम तक जाएगा, तमाम जगह जाने की कोशिश करता है, और वो मामला गलत होने के वजह से उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो निश्चित तौर से अधिकारियों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से मामले सही हैं और कौन से मामले गलत हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा उनका कोई भी मामला, जैसे कि इसी मामले को हम ले लेते हैं, अगर ऐसे में जमानत पर छूट के आने के बाद वो विक्टिम को बार बार धमकाने की कोशिश कर रहे थे तो वो अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने निश्चित तौर से आख्या के रूप से थानेदार को लिखा होगा। अगर ऐसा होता है कि आख्या में
बार बार वो थानेदार जब सही रिपोर्ट लगाते हैं कि ऐसी कोई मामला नहीं है, धमकाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, तो क्यों नहीं उच्च अधिकारी वही चीज किसी अपने स्पेशल ऑफिसर से जांच कराने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं उच्च अधिकारी इसको अलग ढंग से एक जांच किया, किसी और थाने या किसी सीओ से जांच कराने की कोशिश करते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब उस थाना क्षेत्र से संबंधित वो अधिकारी ना हो, अलग थाने क्षेत्र से इसको एक बार जांच कराने की कोशिश करनी चाहिए अधिकारियों को। और ये पहल एक अच्छी पहल भी होगी जिससे ये खास तौर से पता भी चलेगा कि विक्टिम क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। और जैसा कि ये मामला हुआ है, ऐसे देखिए होते तो ऐसे कई बार होते हैं कि विक्टिम को धमकाया जाता है, कई मामले में धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं थाने का सहभी लोगों को मिला रहता है, चाहे वो सिपाही के द्वारा मिला हो, चाहे वो एसओ के द्वारा मिला हो, चाहे वो वहां के हल्का दरोगा के द्वारा मिला हो। निश्चित तौर से जब भी इस तरह के गंभीर जो है अपराधी अपराध करते हैं तो इसमें बिना इस तरह से देखा गया है, ये साइकोलॉजिक मामला है कि बिना पुलिस के सह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। जी सुनिए, बिल्कुल देखा जाए इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी गंभीरता अभी भी नजर नहीं आ रही है कि एक पीड़ित परिवार 270 किलोमीटर का सफर तय करके राजधानी लखनऊ पहुंचता है, सीएम आवास पहुंचता है और अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गोरखपुर के लोकल प्रशासनिक अमले के द्वारा एक बड़ी लापरवाही बरती गई और उसका खामियाजा ये कि एक बार फिर से पीड़ित परिवार के जो चाचा हैं उनकी हत्या कर देते हैं ये दबंग, ये आरोपी, लेकिन अभी भी ये गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि अब एक्टिव हुआ है पुलिस और प्रशासन और देखा जाए तो एक अज्ञात को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आगे कितनी संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये देखना होगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि कितने जिम्मेदारी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। शशांक जी, क्या वाकई अब मान लिया जाए? आज भी बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी कितना भी बड़ा हो। कई बार ये बात निकलकर सामने आई कि अपराधी बेलगाम है, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन जगह जगह अपराधियों के लिए यमराज खड़े हैं। तो वो यमराज क्या इस तरीके के हैं जो बेपरवाह, लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, और क्या वाकई अब शासन के दबाव में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है? सोनी जी, नो डाउट मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संवेदनाएं और हम सबकी संवेदनाएं, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं, आप सबकी भी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ, और मुझे लगता है कि नो डाउट योगी जी के संज्ञान में पूरा मामला है, उसमें प्रॉपर जो लोग हैं वो तो पकड़े गए हैं, जब ये मामला लखनऊ तक पहुंचा उसके बाद पकड़े गए, लेकिन उनको पकड़ा गया है और संबंधित एसओ, इसके लिए अगर मुख्य दोषी एसओ है या सर्किल के ऑफिसर हैं, जो कोई भी होंगे उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगी। रही बात, मुझे लगता है कि घटना हमको विचार इस पर करना चाहिए कि कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगे और कैसे हम सब लोग भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम लोग भी इस मामले में कितनी पहल करें कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन बात अगर राजनीतिकरण की जाए तो मुझे लगता है कि इस घटना का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं होगा। जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं, क्योंकि आप सब लोग प्रबुद्ध मीडिया के सम्मानित कर्मी है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अभी दिल्ली के हालात क्या होंगे, पंजाब के हालात क्या होंगे, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं अगर आप उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखेंगे, उत्तर प्रदेश में घटनाओं का ग्राफ देखेंगे। शशांक जी, आपको जनता ने मौका क्यों दिया, इस बात को समझना होगा पहले तो। शशांक जी, जनता ने मौका किस लिए दिया? अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जनता को कुछ तो अच्छा चाहिए। सत्ता परिवर्तन हुआ है, नो डाउट, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ है जीरो टॉलरेंस, बताइए कहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। यदि किसी ने अपराध किया या तो अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर या जेल में, और अगर हम देखें तो कितनों के बुलडोजर से कितनों के घर गिराए गए हैं, कितनों की गाड़ियां पलटी हैं, ये सब आप सबके सामने उदाहरण है। एनकाउंटर के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा है और सबसे आगे है, और राजनीति की यही जो दूसरी पार्टी के प्रवक्तागण है, हमारे साथीगण है, इनका इनको अपनी पार्टी को और बगैर विपक्ष का काम करना है। अगर कहीं जब एनकाउंटर होगा तब भी ये लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई गलत है। अभी फरुखाबाद में भी कहीं किसी का बिल्डिंग गिराई गई है, बुलडोजर चलाया, तो अभी भी दूसरी पार्टी के लोग
कह रहे नहीं गलत हो रहा है, सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। यानी कि विपक्ष का काम है कि प्रश्न चिन्ह उठाना, लेकिन हम मैं देख रहा हूँ ना, हम लोग आंकड़ों पे आए ना, महिला अपराध के मामले में आप सब लोग मीडिया के सम्मानित लोग हैं और आप सबको मुझसे अच्छी जानकारी होगी। मैं कहना चाहूँगा हकीकत देखते हैं शशांक जी, और इसीलिए सवाल उठाते हैं हम। अगर चौथा स्तंभ है तो मुझे लगता है उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं, उम्मीद और अपेक्षा भी रखते हैं कि सत्ता पक्ष और शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप एक बार दिल्ली और पंजाब के ऊपर देखिए और रही बात उत्तर प्रदेश की, कंपेयर करेंगे हम कंपटीशन गेम खेलने के लिए नहीं बैठे हैं ना शशांक जी, कि दिल्ली में आपकी सरकार है तो दिल्ली में क्राइम रेट क्या है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर क्राइम रेट क्या है, हम ये आकलन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए। इस घटना का राजनीतिकरण करना गलत है, मैं बता रहा हूँ ना, इस घटना का राजनीतिकरण करना गलत है। और यदि कोई पार्टी का विपक्षी ये बात कहता है तो उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने प्रदेश में जहां पर आपकी सरकार है उसकी स्थिति देखनी चाहिए। और मैं नो डाउट कहता हूँ कि चलिए इस मामले को लेकर क्या पहल रहेगी, क्या इंसाफ मिलेगा पीड़ित परिवार को होगा, बिल्कुल 100% 100% मिलेगा। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरीके से प्रभावी है और अपराध पर अंकुश लगेगा, अपराधियों को जेल भेजा गया इसमें, और जो लोग भी पुलिस के प्रशासन के जो जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी 100% में दावे के साथ कहता हूं उनके विरुद्ध भी सख्त सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम करेगी। चलिए अंकुश जी सहमत है इस आश्वासन से, क्योंकि सोनी जी जी भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे इस घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को 4 महीने हो गया है। 4 महीने पहले उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ रेप की घटना हुई, जो नाबालिग बच्ची थी, वो 4 महीने से वो पीड़ित के परिवार के लोग लगातार अधिकारियों की चौखट पे दर दर ठोकरे खाने का काम कर रहे थे, उनको जान का खतरा था, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था, फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो योगी आदित्यनाथ जी के राज की ये पुलिस व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था कहां सोई हुई थी? आज जब उसका चाचा की हत्या हो जाती है तो भाजपा के प्रवक्ता दलील देते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे? शर्म आनी चाहिए। पिछले 4 महीने से उस बच्ची पे क्या बीता होगा, ये सोचने का विषय है। उस बच्ची को उस पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिला, और पंजाब के हालात जरा देखिए, बदतर होते जा रहे हैं दिल्ली और पंजाब के। प्रदेश के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं है शशांक जी, और गोरखपुर दह जनपद है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उस बात का तो लिहाज करना ही चाहिए प्रशासनिक अमले को। ये सारे पूर्व भी कई सरकारें थी और उन सरकारों के बड़े बड़े नेता ये, तो इसीलिए तो पूर्ववर्ती सरकार अब पूर्व में हो गई, पूर्व लग गया, प्रेजेंट में आप हैं शशांक जी, प्रेजेंट में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की, एक अहम जिम्मेदारी सूबे के मुखिया की होती है। और अब इस मामलों को लेकर जिस तरीके से ये आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, इससे छवि किसकी खराब हो रही है, पार्टी की? आपराधिक मामले आ रहे हैं उन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, और मैंने कहा ना कि दोनों पहलू हैं। जब एक तरफ जनता, जब जो अपराधी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके घर पर बुलडोजर पहुंचता है, तब भी ये विपक्षी लोग कहते हैं नहीं गलत हो रहा है। तो जिनको गलत कहना है वो अलग चीज है, लेकिन ये घटना हुई है, हम सब इसके लिए संवेदना परिवार के साथ है, और मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता चलिए सहानुभूति संवेदना से इस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलने वाला, और इंसाफ मिलेगा जिम्मेदारी से अगर प्रशासनिक अमला कार्य करेगा। हमारे ब्यूरो चीफ गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं रामशंकर का रुख कर लेते हैं। इस मामले में क्या कोई प्रशासनिक बयान निकल कर सामने आया? एक दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, संजीव जी पहले राय साझा कर लेते हैं। संजीव जी स्वागत है आपका, राय साझा कर सकते हैं। आपके श्री चरणों को वंदन करता हूं जी। मेरा अनुरोध है कि चूंकि मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया है तो परिवार को न्याय तो जरूर मिलेगा, किंतु यदि सभी विधायक, जो लोकल विधायक हमारे होते हैं, वो भी योगी जी की तरह जनता दरबार लगाएं और उनकी प्रार्थनाओं पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करें और उनके लिखे पर संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करे, तो मेरा अपना मानना है कि ये व्यवस्था काफी हद तक ठीक हो सकती है। बिल्कुल शुक्रिया, मेरे यही निवेदन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम राय साझा करने के लिए कि अगर सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए अगर अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से अगर अपनी सहभागिता देंगे और हो सकता है कुछ हद तक कमी जरूर देखने को मिले ऐसे अपराधों में, क्योंकि प्रशासनिक अमला की जो बेपरवाही है वो तो नजर ही आ रही है।
और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शासन स्तर पर दबाव में काम कर रहा है प्रशासनिक अमला। हालांकि इस बात का भी जवाब शशांक जी से मिला नहीं मुझे। खैर, रामशंकर जी का रुख कर लेते हैं। रामशंकर, देखा जाए, हमारा आपसे सवाल था। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 3-4 बजे पुलिस का एक बयान जारी होता है जिसमें एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने ये कहे हैं कि इसके पहले जब इस घटना को अंजाम किया गया था तो उसमें 2 लोगों को तत्काल मुकदमा कर पुलिस ने जेल भेजा था, जिसके बाद वो जमानत पर छूटे हुए थे। हालांकि जब ये घटना 24 तारीख को घटित होती है उसके बाद पुलिस को एक सूचना दी जाती है जिसमें तत्काल जो है 307 और एनसीआर 307 303 504 अन्य मामलों अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। वहीं जब कल इस घटना में ये सुनने में आता है कि जो थे उनकी डेथ हो गई है तो उसमें तत्काल जो है 302 की भी धारा बढ़ाई जाती है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और टीम बना के अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर से जो चीज जब पुलिस के इसमें बड़े अधिकारी यानी कि एसपी साउथ जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अगर ये कार्रवाई पहले से की गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना को रोकने होने से रोका जा सकता था। दूसरी बात करेंगे कि जिस तरह से जो अभी मुकदमा पंजीकृत कर जो लोगों की गिरफ्तारी की गई है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से एक टीम बना के ये भी करना चाहिए कि इसमें अगर पुलिस का कोई भी या कांस्टेबल हो या हल्का दरोगा हो अगर उनकी भी संलिप्तता पाई जाए तो उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज जा सके कि आने वाले समय में यानी कि किसी थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अगर इस तरह की घटना कारित होती है तो उसके लिए हल्के का सिपाही दरोगा या थानेदार भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई। देखिए जब पुलिस के ऊपर किसी गंभीर मामले में कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से जो पुलिस पर जो लोग होते हैं जो मौके पर होते हैं जो थानेदार होते हैं उनके अंदर एक डर तो जरूर होता है कि अगर इस मामले में मैं कार्रवाई नहीं करता हूं और कल को कोई बड़ी घटना यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से ये इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और समाज के बीच में कार्रवाई कर एक मैसेज भी देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता यानी कि पुलिस की बातचीत में भी जब अपराधियों से बातचीत भी होती है तो जब जरा सा भी इनको लगता है कि पुलिस मेरे सहयोग में है तो इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम देने से जरा भी कतराते नहीं है। तो निश्चित तौर से दूसरी बात राजनीतिक बात करें तो चाहे सीएम कोई भी हो चाहे राजनीतिक दल किसी का भी हो इस तरह के घटना जो भी होते हैं वो निश्चित तौर से जब भी हुआ है जब भी देखा गया है तो थाने के जरिए ही जो थानेदार होते हैं जो हल्का सिपाही होते हैं कहीं ना कहीं उनकी कमी से ऐसी घटना घटती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया शुरुआती दौर में ही कोताही बढ़ती गई लापरवाही बढ़ती गई और इसीलिए ये घटनाक्रम इतना बड़ा हो गया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, मोहम्मद असलम, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं असलम जी। जी मैम नमस्कार जी, आपका चैनल बहुत ही जिम्मेदार है इसलिए हमने आपको फोन किया जी। सीएम साहब अपनी तरफ से तो जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं बेचारे और क्योंकि गोरखपुर का मामला है और गोरखपुर मेरा भी जरा जनपद है वहीं का पला बड़ा हूँ मैं भी जी, अब लखनऊ में रहता हूँ। गोरखपुर में यह हाल है कि अगर कुछ भी होगा तो सीधे सारे अधिकारी सारा कर देंगे सीएम साहब की तरफ। मैं क्या करूंगा, बहुत परेशान हूँ, सीएम साहब का दौरा, सीएम साहब का ये, सीएम अरे सीएम साहब का गृह जनपद तो सीएम साहब तो आएंगे ही, आपको जो दिया गया है जो काम दिया गया है वो आप अपना काम करो, सीएम साहब के बहाने कितना करोगे। छोटे से छोटा अधिकारी बड़े से बड़ा अधिकारी बिल्कुल कोई भी हो, सिपाही से लेकर डीएम एसएसपी सभी एकदम बिजी हो जाते हैं भले ही किसी नाबालिग की साथ कुछ भी हो रहा हो, दुष्कर्म हो रहा हो, किसी की भी अस्मत लूट रही हो, लेकिन ये जिम्मेदार उस जिम्मेदारी को नहीं समझते या उस अपराध को रोकने की जहमत नहीं उठाते। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ शशांक जी का फाइनल कॉमेंट ले लेते हैं इस मामले में। शशांक जी, क्या लगता है इस मामले में अब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, उम्मीद की जा सकती है न्याय की? बिल्कुल, नो डाउट मैम, अभी आप बिल्कुल बिल्कुल 100% अभी आपके संवाददाता के माध्यम से भी ज्ञात हुआ है कि 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है, 2 अपराधी पकड़े गए हैं, यदि और किसी की भी संलिप्तता होगी उसको गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में
मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट लगा के उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा और प्रोसिक्यूशन भी ये काम करेगा सरकार और शासन के निर्देश पर कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कहीं से भी उनको राहत ना मिले। और जो अपर पुलिस का जो रवैया है, SHO, सर्किल ऑफिसर या एनीबडी कोई भी इसमें जिम्मेदार होता है तो उसके ऊपर उसको भी निलंबित करके लाइन आ जाएगी, जो एक पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई होगी कही जाएगी और उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करके और मुझे लगता है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए एक बार फिर से आश्वासन मिला है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शशांक जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्रवाई की जाएगी। ये देखना होगा कि क्या इसमें कार्रवाई होती है, लेकिन लगातार जो बड़े बड़े दावे और वादे कानून व्यवस्था को लेकर किए जाते हैं शासन स्तर पर सत्ता पक्ष की तरफ से, और लगातार सूबे के मुखिया भी इस बात का जिक्र करते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, लेकिन ये है जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है और कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है ये तस्वीरें कि न्याय के लिए जान तक गंवानी पड़ जाती है। और इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आज की डेट में न्याय महंगा और जान सस्ती हो गई है, क्योंकि न्याय पाने की आस में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो लगातार सवाल उठ रहे हैं और आखिर कब सुदृढ़ होगी, कब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं है और शासन के दबाव में प्रशासनिक अमला कब तक काम करता रहेगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews India।